हेलो स्टूडेंट्स, वेरी मच वेलकम ऑन निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई होप कि आप सभी ठीक ठाक हैं एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज के सेशन में जो सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम हिमाचल से पूछे हुए लास्ट 10 ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, और हमने हिस्ट्री का पोर्शन जो है वो हमने स्टार्ट किया था, और ज्योग्राफिकल सेक्शन हमने बहुत अच्छे से कम्प्लीट कर लिया है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ प्रोसीड करेंगे। हिस्ट्री से जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इट सेज, सो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? इन 1848 हु सप्रेस द रेबेलियन ऑफ वजीर ऑफ नूरपुर एंड देन प्रमोद चंद एंड राज ऑफ चश्मा एंड दातारपुर। देखिए, ये बात 1848 की हो रही है। उसमें पे जो कमांडर थे, ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर थे, जिन्होंने इन विद्रोहों को जो भी विद्रोह इन राजाओं ने किए थे उनको शांत किया था, उनका नाम है मिस्टर लॉरेंस। सो मिस्टर लॉरेंस, ये वही मिस्टर लॉरेंस है, हेनरी मोंटगोमेरी लॉरेंस। आई होप कि आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो ये ऐसे ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर हैं जो कि मारे गए थे जब 1857 की म्यूटिनी हुई थी और लखनऊ में जो है विद्रोह को शांत कर रहे थे। तो ये 1857 में इनकी डेथ हुई थी। उससे पहले जब यहाँ पर हमारे हिमाचल प्रदेश के लैंड्स में जो है विद्रोह हुए थे, तो इन्होंने ही जो है वो रिवोल्ट को सप्रेस किया था। सो अब बात आती है कि रिवोल्ट्स इन्होंने क्यों किए थे। 1848 के समय में ऐसा क्या चल रहा था हमारे हिमाचल प्रदेश में जो इन्होंने रिवोल्ट किए, उसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। राइट, सबसे पहली बात तो वजीर यहाँ पे हम देख रहे हैं, वजीर जो नूरपुर की बात कर रहे हैं वो है वजीर राम सिंह पठानिया। ये ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं सबसे पहले जो है 1848 के टाइम पे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो विद्रोह किया था। तो वो यही थे, वजीर राम सिंह पठानिया थे। ये बहुत ही पुराने जो है फ्रीडम फाइटर की कैटेगरी में आते हैं, जिन्होंने सबसे पहले जो है अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। इनके दोस्त ने इनको इनको जो है धोखा दिया था, जिसकी वजह से इनको पकड़ लिया गया था। अब थोड़ी सी कहानी समझते हैं 1848 के समय की। 1846 से 48 का समय देखते हैं। 1846 से पहले की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के अगर हम रफली सा यहाँ पे देखें, अगर हम इसे सतलुज मानते हैं, जो कि एक बाउंड्री फिक्स हुआ था 1809 में अंग्रेजों के बीच में और सिखों के बीच में, अमृतसर ट्रीटी जो हुई थी। सो यहाँ पर जो था 1846 से पहले, बिफोर 1846, यहाँ पर सिखों का कंट्रोल था इन सभी पहाड़ी रियासतों के ऊपर। यहाँ पे सिख थे और यहाँ पर तो ब्रिटिशर्स ही थे, अगर हम 1846 के हम से पहले की बात करते हैं, ब्रिटिशर्स थे। सो 1846 में, या हम 45-46 की बात करते हैं, तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुए थे, जिसकी वजह से सिख हार गए थे और सिख जो है अपने एरियाज में, लाहौर वाले एरिया में लिमिटेड हो गए थे, और ये सारे जो सिखों के कंट्रोल्ड एरियाज हैं ये ब्रिटिशर के पास आ गए थे। तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर ने जिन रियासतों के राजाओं को रिकॉग्नाइज किया था वो थे मंडी और सुकेत, जिनको इन्होंने सनद दिया था। मंडी एंड सुकेत को सिर्फ इन्होंने सनद दिया, बाकी की रियासतों के राजाओं को उन्होंने बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं किया, जिसमें कांगड़ा भी है। कांगड़ा की स्थिति भी बहुत खराब चल रही थी। उन्होंने भी सिखों के समय पे, ब्रिटिशर के टाइम पे, ब्रिटिशर की जो टेरिटरीज थी साउथ की, साउथ ऑफ सतलुज, वहां पे इन्होंने शेल्टर लिया था। तो कांगड़ा के राजा की स्थिति भी खराब थी। हम अनिरुद्ध की बात कर रहा हूँ, अनिरुद्ध चंद, जिन्होंने जो है वो अर्की में जाके शेल्टर लिया था, जब महाराजा रणजीत सिंह ने जो है वो उनके उनके आगे जो है वो मैरिज का प्रपोजल रखा था अपनी बहनों के लिए, तो उन्होंने बाद में भाग के यहाँ पे ब्रिटिश टेरिटरी में शेल्टर लिया था। तो अब उसके बाद फिर प्रमोद चंद का नाम आता है। प्रमोद चंद जो थे, उन्होंने आगे फर्दर जो भावी जो राजा बताए जाते हैं आगे, उन्होंने जो है वो लीड किया, कोशिश की अपने राज्य को, अपने रियासत को रिवाइव करने की, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। सो कांगड़ा की स्थिति जो थी वो खराब थी। कांगड़ा के साथ नूरपुर की बात करते हैं, तो नूरपुर वाले इन एरियाज में भी जो है वो ब्रिटिश ने डायरेक्टली कंट्रोल कर लिया था। जसवां, दतारपुर, इन सब एरियाज के ऊपर जो कहते हैं कि इन रियासतों के राजाओं को बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, इनको बिल्कुल भी सनद नहीं दी, फ्रीडम नहीं दी, जैसे मंडी और सुकेत को मिली थी। सो जब 1848 का टाइम आता है, सिखों को दोबारा अपने हार का बदला लेना था, तो उस मैप पे कहते हैं कि जसवां, दतारपुर और नूरपुर, इन सब राजाओं ने, रियासतों के जो वजीर और राजाओं ने जो है वो हेल्प किया, सिखों की हेल्प की, और ब्रिटिशर के अगेंस्ट जो है वो आवाज उठाई। और उसी समय पे कहते हैं कि दोबारा सिख डिफीट होते हैं, और इन सारे के सारे रियासतों के राजाओं के लिए एक सुसाइडल की तरह जो है ये पार्ट उनके लिए रहता है, और इन सब राजाओं को जो है वो पकड़ लिया जाता है और बाद में जो है वो अल्मोड़ा भेज दिया जाता है, अल्मोड़ा। सो ये अपने ध्यान रखना है।
कि इस तरह की सिचुएशन 1848 में हुई थी, और जब ये विद्रोह हुए थे तो इस तरह से जो है मिस्टर लॉरेंस जो थे उन्होंने जो है इस विद्रोह को शांत किया था। और वजीर राम सिंह पठानिया का नाम आता है कि ऐसे शख्स हैं जिनका नाम शायद इतना नहीं हम उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जिन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ बड़े लेवल पर जो है विद्रोह किया था। लेकिन इनके अपने खास दोस्त पहाड़ सिंह ने जो है इनको धोखा दिया था, जिसकी वजह से कि इनको पकड़ लिया गया था। तो आपने इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, विच फेमस फुटबॉल टूर्नामेंट वॉज स्टार्टेड इन 1888 फ्रॉम अनाडील। अनाडील में 1888 के समय पे कौन सा प्रसिद्ध फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो चलाया गया था? सो दैट इज योर दुरंद कप, जो मॉर्टमायर दुरंद थे उन्होंने ये स्टार्ट किया था। इट इज अ फुटबॉल टूर्नामेंट। सो फुटबॉल टूर्नामेंट इस दुरंद कप जो है शुरू हुआ था अनाडेल से। अब यहाँ पे अनाडेल की बात करेंगे। अनाडेल को कंपनी का बाग भी कहते थे, और इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स ने अनाडेल को जो है ब्रिटिशर ने ही एस्टेब्लिश किया था, कंपनी का बाग। बहुत ही अगर हम पहले की बात करें तो 1834 में एक ब्रिटिश जर्नल में हमें अनाडेल का अकाउंट मिलता है। अगर हम अनाडेल की हिस्ट्री को ट्रेस करें तो 1834 में जो है एक जर्नल में, ब्रिटिशर की जर्नल में जो है हमें इसका अनाडेल का अकाउंट मिलता है। अनाडेल की अगर थोड़े नाम को थोड़ा देखें तो कहते हैं ये अन्ना प्लस डेल करके बना है। अन्ना प्लस डेल, डेल होती है आपके पास ओपन वैली, फ्लैट वैली, और अन्ना का मतलब बताया जाता है, वो बताया जाता है कि ये चार्ल्स पेट कैनेडी नाम के पॉलिटिकल एजेंट थे, उनकी जो है प्रेमिका का नाम जो था वो अन्ना था। चार्ल्स पेट कैनेडी जिन्होंने शिमला में सबसे पहले जो है वो अपना पक्का हाउस बनाया था, तो उनकी प्रेमिका का जो है वो नाम अन्ना था, इसलिए ये जो नाम पड़ा, इस फ्लैट वैली का नाम पड़ा शिमला में, ये अनाडेल पड़ा। और ये अभी प्रेजेंटली जो है वो ये जो है वो आर्मी के कंट्रोल में है, और इसे हार्ट ऑफ शिमला भी कहते हैं। ये भी अपने ध्यान रखना है। यहाँ पे एक फन फेयर भी हुआ था बहुत पहले की, अगर हम बात करें सुपातो जो थी बहुत ही पहली और स्टार्टिंग की ब्रिटिश कैंटोनमेंट थी, गोरखों की हार के बाद उन्होंने इसे जो है वो कैंटोनमेंट बनाया था, और वहाँ पे एक नसीरी बटालियन, गोरखा की बटालियन जो है वो वहाँ पे सेटअप की थी। तो सुपातू में कहते हैं, सुपातू में एक गर्ल्स स्कूल ओपन करने के लिए यहाँ पर इस मैदान में एक फन फेयर जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। इट इज वे लेट बिफोर, आप ये कह सकते हैं कि 1833 की ये बात है, ये आसपास की बात है। सो अनाडेल की अगर हम और बात करें तो ये देखिए यहाँ पे हेलीपैड फैसिलिटी भी है, साथ साथ में यहाँ पे गोल्फ कोर्स भी है। अब मैप की बात करें तो मैप अगर हम इसको लोकेट करते हैं तो यहाँ पे लोकेट करते हैं, यहाँ पर जो है वो अनाडेल आपका लोकेटेड है। तो इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन आपका शिमला से आया है। देखो, शिमला एक कैपिटल सिटी रही है, समर कैपिटल सिटी रही है ब्रिटिश के टाइम पे, तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं। तो आपने बाकी के जो है कुछ और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे, उनका भी आपने ध्यान रखना है। जैसे कि पीटर हॉफ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और वाइस रिगल लॉज उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इलर्सली उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि प्रेजेंटली हम जिसको एचपी सेक्रेटेरिएट कहते हैं। सो ऐसे बहुत से बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनका आपने ध्यान रखना है, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। लेट्स जस्ट प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इट से, व्हिच राजा ऑफ चंबा ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट फ्रॉम भरमौर टू चंबा। ऑप्शन आपके सामने दिए, मेरु वर्मन, आदित्य, साहिल वर्मन, सोमा वर्मन। तो इसका सही आंसर है आपका साहिल वर्मन। साहिल वर्मन ने भरमौर से चंबा को कैपिटल शिफ्ट किया था, और 920 AD के आसपास जो है कहते हैं कि साहिल वर्मन एक्टिव थे, 10th सेंचुरी में ये एक्टिव थे। साहिल वर्मन से जुड़े और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम पहले मेरु वर्मन को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है वो राजा रहे हैं मेरु वर्मन, और ये धतेश्वरपाल जो कुल्लू के थे उनके समकालीन थे, और ये 7वीं शताब्दी में 680 AD के आसपास मेरु वर्मन जो है बताए जाते हैं ये राजा, और इन्होंने धतेश्वरपाल को हराया था कुल्लू के, और कुल्लू को अपना पार्ट बना लिया था। चंबा उस मैप पे की बात करें, चंबा की कैपिटल ब्रह्मपुरा थी, ब्रह्मपुरा ही जो था वो राज्य था, रियासत थी, चंबा नाम की कोई जगह नहीं थी। तो ब्रह्मपुरा को तो कहते हैं, ब्रह्मपुरा ने अपनी बाउंड्री एक्सटेंड की थी मेरु वर्मन के समय पे, बहुत ज्यादा बाउंड्री एक्सटेंड की थी। मेरु वर्मन ने बहुत से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो है कहते हैं इन्होंने टेम्पल्स बनवाए हैं, जैसे कि लक्षणा देवी टेम्पल। लक्षणा देवी टेम्पल जो है वो मेरु वर्मन ने बनवाया है, मणिमहेश टेम्पल मेरु वर्मन ने बनवाया है, अपने ध्यान रखना है। आदित्य वर्मन कहते हैं कि पहले ऐसे राजा थे, ये मेरु वर्मन के जो थे दादा थे, और आदित्य वर्मन ने जो है पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने वर्मन सफिक्स यूज किया है। तो अपने आदित्य वर्मन को ऐसे याद रखना है, ये दादा है मेरु वर्मन के, और वहां के चंबा में जो है जो भी शिला लेख है उनमें हमें आदित्य वर्मन के बारे में पता चलता है, राइट।
और साहिल वर्मन इसके बारे में बाद में बात करता हूँ, पहले सोमा वर्मन की बात करता हूँ। सोमा वर्मन जो है ये आपके लेटर ऑन आपके 11th सेंचुरी के राजा बताए जाते हैं। इनके बारे में कुछ ऐसा खास नहीं है जो आपने डेप्थ में पढ़ना है। सोमा वर्मन के समय पे एक कॉपर प्लेट हमें मिलती है और जिसमें साहिल वर्मन के बारे में बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। सोमा वर्मन के समय की सिर्फ एक कॉपर प्लेट है, इंस्क्रिप्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अब साहिल वर्मन पे आता हूँ। साहिल वर्मन जो है कहते हैं कि इन्होंने राइट स्टार्टिंग ऑफ बोस अपने इनके जो शुरू के जो समय रहा है जब वो ब्रह्मपुरा में थे, चंबा आने से पहले, चंबा कैपिटल शिफ्ट करने से पहले, तो ब्रह्मपुरा में कहते हैं कि इनके कुल्लू के साथ जो है काफी जो है इनके रिलेशन खराब रहे। 10-12 साल तक कन्फ्लिक्ट चलते रहे और कुल्लू के नारद पाल के जो है ये समकालीन बताए जाते हैं। साहिल वर्मन अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में आपसे साहिल वर्मन कुल्लू के किस राजा के समकालीन थे, तो ये साहिल वर्मन जो है नारद पाल के समकालीन थे, ये पर ध्यान रखना है। उसके बाद कहते हैं इनके बड़े फेमस जो थे इनके योगी थे, इनके गुरु थे, जिनका नाम था चरपतनाथ जो इनके इंपॉर्टेंट योगी थे, गुरु थे। उन्होंने ही उनकी उन्होंने उनकी उन्हीं का ही सुझाव था कि ब्रह्मपुरा से जो है चंबा को कैपिटल इस जगह पे जहाँ पे आज चंबा है वहाँ पे कैपिटल शिफ्ट करने की बात जो की थी वो इन्होंने की थी, चरपतनाथ योगी जी ने। और इनकी जो इकलौती पुत्री थी साहिल वर्मन की, चंपावती, उनका भी जो था यहाँ पर इंटरेस्ट था कि वो भी वहाँ पे जो है शिफ्ट करें अपने कैपिटल को। और ये उनकी जो इकलौती पुत्री थी साहिल वर्मन की, चंपावती, उन्हीं के नाम से भी बाद में इस टाउन का जहाँ पे इन्होंने नया जगह सेलेक्ट की थी कैपिटल की, उस टाउन का नाम जो है इन्होंने चंपावती रखा था। एक और इम्पोर्टेंट चीज साहिल वर्मन से, साहिल वर्मन की एक रानी थी नैना देवी, उन्होंने अपना अपने आप को सेक्रीफाइस किया था फॉर द सेक ऑफ पीपल, फॉर द वाटर। वाटर की सप्लाई जो थी, जब ये नया टाउन बन रहा था, चंबा टाउन बन रहा था, तो वहां पे पानी की कमी, बहुत पानी की कमी थी, तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी जो थी एक कहते हैं कि सरोथा स्ट्रीम थी, सरोथा स्ट्रीम से पानी जो है वो टाउन तक पहुंचाने के लिए बहुत मुश्किलें जो है वो आ रही थी। तो उसके बाद कहते हैं कि जो इनकी क्वीन थी साहिल वर्मन की नैना देवी, उन्होंने अपने आप को यहाँ पे सेक्रीफाइस किया था क्योंकि साहिल वर्मन के सपने में जो है ये चीजें आई थी कि किसी ना किसी को जो है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या तो रानी को या तो उनके पुत्र को। तो बाद में जो है रानी ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था, उनका नाम था नैना देवी। उनकी याद में सूही मेला जो है वो हर साल मनाया जाता है, सूही फेयर, तो अपने ध्यान रखना है। और मिंजर मेला भी साहिल वर्मन के समय पे स्टार्ट हुआ है, ये भी अपने ध्यान रखना है, मिंजर फेयर, मिंजर फेयर, ये भी साहिल वर्मन के समय पे स्टार्ट हुआ है। मिंजर फिर कब मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, राइट। सो इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है। साहिल वर्मन ने एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि इस पिक्चर में आपको यहाँ दिख रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक टेम्पल जो है बनवाया है, दैट इज ए लक्ष्मी नारायण टेम्पल। ये शिखर स्टाइल में टेम्पल जो है वो साहिल वर्मन ने बनाया है। और साहो जो चंबा के पास में ही है, साहो वहां पर भी चंद्रशेखर टेम्पल जो है साहिल वर्मन ने बनाया है। और भी बहुत सारे टेम्पल साहिल वर्मन ने बनाया है, लेकिन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपने ध्यान रखना है। एक तो आपके लक्ष्मी नारायण टेम्पल एंड वन इज योर चंद्रशेखर टेम्पल एट साहो, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच राजा ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट द फोर्ट्स ऑफ माउकोट, नूरपुर एंड तारागढ़ वर कैप्चर्ड बाई द मुगल्स। देखिए जो भी फोर्ट्स की बात कर रहे हैं ये उस समय की बात है जब जगत सिंह बहुत पावरफुल हो गए थे। ये जिस राजा की बात कर रहे हैं वो है जगत सिंह। तो देखिए जगत सिंह जो है ये जहांगीर के समकालीन थे और इनका जो है जहांगीर के साथ बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, जहांगीर के जो थे ये कंटेम्प्रेरी थे, ये अपने ध्यान रखना है। और जगत सिंह ने जो है रिवोल्ट किया था, बहुत ही मेजर रिवोल्ट भी उन्होंने मुगलों के अगेंस्ट किया था, वो किया था शाहजहां के अगेंस्ट। इनके जहांगीर के साथ तो रिलेशन अच्छे थे, लेकिन शाहजहां के साथ उनके रिलेशन खराब हो गए थे। और जब जहांगीर के साथ रिलेशन थे तो कहते हैं बहुत सारी पहाड़ी रियासतों के ऊपर इन्होंने अपने अच्छे से कंट्रोल करके रखा। और एक हमें जिक्र मिलता है 1623 का, जब इन्होंने चंबा के ऊपर जो है अपना नियंत्रण कर लिया। 1623 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बैटल होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ डहलोक, आपने ध्यान रखना है, बैटल ऑफ डहलोक। तो बैटल ऑफ डहलोक जब हुई थी ये हुई किसके बीच में थी, ये हुई थी चंबा के राजा जनार्दन के बीच में, जनार्दन के बीच में, और नूरपुर के राजा जगत सिंह के बीच में। ये क्यों हुई थी, इसके पीछे जो है बाउंड्री कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे नूरपुर के जो पहले के जो राजा थे सूरजमल के बीच में और जनार्दन के बीच में, तो उनकी सब ये वजहें थी जब ये बैटल हुई थी। तो इस बैटल का जो डिसाइसिव रिजल्ट नहीं निकला
तो जनरल जो आपके पास जगत सिंह है, जगत सिंह कहते हैं जगत सिंह ने जहांगीर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन डेवलप किए थे, बिकॉज कांगड़ा फोर्ट को कनकर करने के लिए जगत सिंह ने बहुत अच्छे से मदद की थी। और जब जहांगीर कांगड़ा और इन नेबरिंग स्टेट्स में इन्होंने विजिट किया था, ऐसा जो है बहुत ही हिस्टोरिकल जो ये पार्ट था, जब जहांगीर एक खुद एम्परर जो है वो पहाड़ी रियासतों में विजिट करने आया था, तो ये बहुत एक फैसिनेटिंग विजिट भी थी और हिस्टोरिकल विजिट थी कि एम्परर के द्वारा इन पहाड़ी रियासतों के में यहाँ पे विजिट करना। जब ये आए थे सिब्बा से होते हुए आए थे, और फिर ये नूरपुर तो पहले नाम नहीं था, पहले नाम था धमेरी। तो धमेरी के राजा जगत सिंह थे उस मैप पे। तो जब जगत सिंह के इस मैप पे धमेरी आए जहांगीर, तो इन्होंने अपना नाम धमेरी राज्य का नाम जो है नूरपुर कर दिया इन दी ऑनर ऑफ क्वीन, जहांगीर की जो क्वीन थी नूरजहां के नाम से इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया था धमेरी से नूरपुर। नूरपुर ये बात 1622 ईस्वी की। उसके बाद जब इन्होंने अच्छे से रिलेशन जहांगीर के साथ अच्छे से बिल्डअप कर लिए थे, बाद में इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए, और बाद में लेटर ऑन इन्होंने पहाड़ी बाकी रियासतों में इन्होंने जो है अपना अटैक करना शुरू कर दिए, और इस सोच के साथ कि हमें कहीं ना कहीं मुझे जो है मुगलों के जो मेरे साथ अच्छे रिलेशंस हैं उसका मुझे फायदा मिलेगा। तो चंबा सबसे पहले चंबा पे अटैक किया, जिसकी वजह से बैटल ऑफ हेलोक हुआ। और बाद में जब इसका रिजल्ट नहीं निकला, तो जनार्दन को जो है इन्होंने जो है वो किसी ना किसी तरह से जहांगीर को कहा कि आप जनार्दन को जो है वो समन भेजें और उनको अपने मुगल कोर्ट में बुलाएं। जब मुगल कोर्ट में जनार्दन आते हैं तो प्रीचियसली पीछे से जो है वो जगत सिंह को मार देते हैं, छुरा घोंप देते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद चंबा पूरी तरह से नूरपुर के कंट्रोल में आता है, मतलब जगत सिंह के कंट्रोल में आता है। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। सो ये हुआ था। और उसके बाद कहते हैं कि 1623 से लेकर 1641 तक नूरपुर के इस राजा ने, जगत सिंह ने, बहुत सी पहाड़ी रियासतों के ऊपर अपना अच्छा नियंत्रण रखा। लेकिन जब शाहजहां से बाद में कहते हैं कि शाहजहां के साथ इनके रिलेशन जो है खराब हो गए, और इन्होंने 1641 में विद्रोह का ऐलान कर दिया। 1641 की बात थी, और उसमें भी मुराद बख्श को भेजा गया था इस विद्रोह को शांत करने के लिए। ये भी अपने ध्यान रखना है, मुराद बख्श, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मुगल एंड हिल स्टेट से जो है वो ये फैक्ट्स हैं, और आपकी मेंस लिखित परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में जो है वो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपके साथ आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस में पूछा जा सकता है कि बताइए कि नूरपुर के क्रिटिकली डिस्कस द रिलेशन ऑफ नूरपुर विद द मुगल्स, तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आपने ध्यान रखना है मुराद बख्श को भेजा गया था विद्रोह को शांत करने के लिए। उसमें भी नूरपुर के राजा जगत सिंह ने बड़े अच्छे से अपने फोर्ट जो है वो उनके इंपॉर्टेंट गढ़ जो थे वो थे माओकोट। माओकोट जो कि शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह ने बनाया था, माओकोट फोर्ट चक्की नदी के बिल्कुल ईस्ट में ये फोर्ट आता है, और नूरपुर फोर्ट एंड तारागढ़ फोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट गढ़ थे जगत सिंह के। लेटर ऑन जब मुराद बख्श ने जो है वो जगत सिंह के ऊपर जो है वो काफी अच्छे से जो है फाइट किया था और इसे सरेंडर करने में मजबूर किया था। सो दैट्स व्हाट द स्टोरी ऑफ दिस फोर्ट्स, राइट। और ये सब कब हुआ था, ये 1641 में हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू ड्रॉ द अटेंशन टू द हिस्ट्री ऑफ रॉयल फैमिलीज ऑफ जलंधर एंड त्रिगर्ता, राइट। ये भी अच्छे से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर देखिए बहुत इजी है, आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। मूरक्राफ्ट ये यूरोपियन ट्रेवलर थे, इनका आर्कियोलॉजी से की तरफ से कोई तालु इतना ताल्लुकात नहीं है। थैबनॉट ये भी ट्रेवलर थे, थॉमस कॉरियट ये भी ट्रेवलर थे, राइट। इसका सही आंसर तो कनिंगम है, अलेक्जेंडर कनिंगम इसका सही आंसर है। इन्होंने जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो कहते हैं कि ही टुक इंटरेस्ट ओवर द हिस्ट्री ऑफ जलंधर एंड त्रिगर्ता एंड ऑल्सो चंबा। सो मोरक्राफ्ट 1820 के आसपास इन्होंने जो है वो कहते हैं कि पहाड़ी रियासतों में विजिट किया था। थैबनॉट ये तो फ्रेंच ट्रेवलर थे, थॉमस कॉरेट जो है जहांगीर के समय पर इन्होंने कहते हैं कि पहाड़ी रियासतों की तरफ या इंडिया में आए थे, उन्होंने विजिट किया था। तो कनिंगम की अगर हम बात करें, देखिए अलेक्जेंडर कनिंगम एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, और इन्हें जो है KCIE की का टाइटल भी मिल चुका है। बंगाल इंजीनियर ग्रुप के जो थे पार्ट के मेंबर थे, ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर थे, और बाद में लेटर ऑन कहते हैं कि इन्होंने जो है वो इंडियन आर्कियोलॉजी में और इंडियन हिस्ट्री में इंटरेस्ट लिया, और एक बाद में एक इंस्टीट्यूशन भी जो है वो उसकी फाउंडेशन भी की। लेटर ऑन दैट इंस्टीट्यूशन केम टू बी नोन एज योर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1861। तो इनको याद किया जाता है, इसके लिए इन्होंने बहुत ही नोटेबल काम किया है। हमारी अगर हम बात करें भारत की हिस्ट्री की आर्कियोलॉजी में इन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया है। और यहाँ पर अगर पहाड़ी रियासतों की बात करते हैं, तो त्रिगर्त और जलंधारा की हिस्ट्री को ट्रेस करने के लिए भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंगम। सो आपने इनका ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अराउंड विच ईयर डिड द गोरखास कैप्चर द सिरमौर प्रिंसली स्टेट? आपके पास ऑप्शन 1803, 1815, 1820, 1826, राइट। देखिए ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है,
अगर हम बात करते हैं 1815 की, तो 1815 में गोरखाओं की हार हुई थी। सो गोरखा जो है चले गए थे वो हमारी हिमाचल पहाड़ी रियासतों से, और ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और 1820 और 1826 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज सिरमौर की अगर बात हो रही है तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। 1815 की अगर बात करते हैं तो ये वो समय था जब गोरखों की हार हुई थी, जब ब्रिटिश और गोरखों की वॉर हुई थी। तो इसका सही आंसर 1803 है। सो 1803 में सबसे पहले अगर हम बात करें सिरमौर के ऊपर, जो है वो कहते हैं जब भी हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो सिरमौर की तरफ जो है वो अमर सिंह थापा, जो कि गोरखा के कमांडर थे, उन्होंने अपना जो है वो यहाँ पे कंट्रोल किया था, स्टार्ट किया था 1803 के आसपास की बात है। हम थोड़ा देख लेते हैं सिरमौर में ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से जो है अमर सिंह थापा, जो गोरखा के कमांडर थे, उन्होंने जो है वो अपना कंट्रोल यहाँ पे बहुत आसानी से कर लिया था। पहले पहले इस मैप को आप देखेंगे, देखिए ये मैप में यहाँ पर जो है गोरखा की हम बात करें, गोरखा किंगडम की बात करें, नेपाल की बात करें, तो इनकी कैपिटल काठमांडू थी, और अमर सिंह थापा इनके बड़े इंपॉर्टेंट, यहाँ इनके काठमांडू के जो नेपाल के जो राजा थे और उनके बड़े इंपॉर्टेंट कमांडर थे अमर सिंह थापा, जिनको जिम्मेवारी दी गई थी अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करने की। तो अमर सिंह थापा ने कहते हैं कुमाऊं, गढ़वाल, इन सब एरियाज के ऊपर कैप्चर कर लिया था। इवन ये सारा एरिया आप जो देख रहे हैं, ये सारा सारा जो है गोरखों ने इन सब के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। ये सारी सारी इनकी गोरखों की एक्सपेंशन थी, ये कनकर्ड टेरिटरीज थी, जिसमें से कांगड़ा तक गोरखा जो है वो पहुंच गए थे, और जिसमें से मलाओं, जो कि आपका नालागढ़ जो प्रोविंस थी, हंडूर जो प्रोविंस थी, उसका इंपॉर्टेंट फोर्ट था मलाओं, और नाला पानी देहरादून में भी कालिंगा फोर्ट है एक आपका, वो भी बड़े फेमस थे। नाला पानी जो है वो आपकी त्यूणी, जो आपके पास जो जगह है उसके बिल्कुल पैरल में रुवाईगढ़ फोर्ट आता है, तो वहीं उसके आसपास नाला पानी फोर्ट भी है, राइट। सो जातक फोर्ट जो नाहन का बड़ा इनका इंपॉर्टेंट फोर्ट रहा है, नाहन का जातक फोर्ट, ये बड़े इंपॉर्टेंट इनके जो है वो फोर्ट रहे हैं, जहाँ जहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से अपना कंट्रोल करके रखा था, राइट। अब हम बात कर रहे हैं 1803 के आसपास की बात करें, तो देखिए ये सतलुज है, सतलुज के इस तरफ जो थे संसार चंद, अपना कंट्रोल करके जो है वो इन टेरिटरीज को कंट्रोल करके रखे हुए थे। और 1803 में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिरमौर की बात करते हैं, तो देखिए सिरमौर के जो राजा बताए जाते हैं उस मैप पे, वो थे करम प्रकाश टू, करम प्रकाश टू, ये आपको पता होना चाहिए, करम प्रकाश टू। क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि जब गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने सिरमौर को अपने कंट्रोल में लिया था, उस मैप पे राजा कौन थे सिरमौर के, वो थे करम प्रकाश द्वितीय। करम प्रकाश द्वितीय कहते हैं कि बड़े इनएक्सपीरियंस रूलर थे, इनको बहुत ज्यादा, इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, इतने इतना इनका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना सही नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनको हिंडोर के राजा राम शरण सिंह भी इनको तंग लग जो है करने लग पड़े। हिंडोर के राजा कौन थे, राम शरण सिंह, ये ध्यान रखना है, राम शरण सिंह वो थे जिन्होंने संसार चंद के साथ हाथ मिला लिए थे, और कहलूर को भी बहुत तंग किया था राम शरण सिंह। तो इन्होंने सिरमौर के ऊपर भी जो है वो कहते हैं कि इन्होंने इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दी थी, और इन्होंने जो है वो कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी किया था करम प्रकाश द्वितीय को मारने का, कॉन्स्पिरेसी किया था, जब किसी ना किसी तरह से बाद में कहते हैं करम प्रकाश द्वितीय जो भागने में सफल हुए थे, और अमर सिंह थापा जो कि अपने यहाँ पे जो कुमाऊं कुमाऊं और गढ़वाल एरिया को जीत के इन एरियाज में जो है वो बैठे हुए थे, जो आज के समय पे उत्तराखंड वाले जो एरियाज हैं, तो यहाँ पर वो मौजूद थे, तो वो वहां पर आ गए करम प्रकाश द्वितीय, और उन्होंने हेल्प मांगी। और जब हेल्प मांगने की बात हुई, जब अमर सिंह थापा ने कहा कि चलो ठीक है मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, कहते हैं जब अमर सिंह थापा यहाँ पर अपनी सेना को लेकर सिरमौर में आए, तो देखा उन्होंने जो भी वहाँ पे हिंडोर के जो राजा थे, बाकी हिंडोर के राजा कर जो राम शरण सिंह थे, साथ में जो उनके करम प्रकाश द्वितीय के भाई थे कृष्ण सिंह, ठीक है, कृष्ण जो आपके रतन प्रकाश, उनको गद्दी में बैठाया हुआ था, अगर मैं सही हूँ, रत्न प्रकाश, ठीक है, तो उनको भी बाहर उनको भी जो है वो कहते हैं कि उनको भी पीछे किया, उनको भी जो है वो गद्दी से हटाया, और साथ साथ में जो राम शरण सिंह की जो राजा था उसको भी पीछे हटाया। और बाद में कहते हैं कि अमर सिंह थापा ने जो है करम प्रकाश द्वितीय को देखा कि ये इतना सही इंटेलेक्चुअल राजा नहीं है, तो उसे भी जो है वो उसकी गद्दी जो है वापिस नहीं लुटाई, और खुद जो है वो सिरमौर के ऊपर जो है अपना कंट्रोल कर लिया, राइट। सो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो ये हुआ था, इसके बाद फिर कहते हैं कि सिरमौर में पूरी तरह से जो है वो अमर सिंह थापा ने अपना कंट्रोल कर लिया था, और 1804 के आसपास इसको फिर और बाकी जो है वो इन्विटेशन आई थी, महान चंद ऑफ कहलूर ने इन्वाइट किया था बाकी के सभी जो कुछ पहाड़ी रियासतों के साथ मिलकर कि वो संसार चंद के अगेंस्ट उनकी हेल्प करें, वो 1804 के आसपास की बात है। और बाद में जो है वो कहते हैं 1805-6 में संसार चंद की जब हार हुई थी इन द वेरी फेमस बैटल, बैटल ऑफ महल मोरिया, उसके बाद इस बैटल के बाद कहते हैं कि कांगड़ा तक के एरिया भी इन्होंने वो प्लंडर किया।
1815 तक जो था, कहते हैं कि 1815 तक जो है गोरखाओं ने जो है हिमाचल वाले एरियाज पे कंट्रोल करके रखा, बट और सारे के सारे जो एरियाज बाद में ब्रिटिशर ने इनसे छीन लिए थे, ये सारी जो इनकी कंकर टेरिटरीज थी सब के सब कहीं ना कहीं बाद में ब्रिटिशर के कंट्रोल में आ गए थे, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है ब्रिटिशर्स एंड गोरखास। सो उतना डेप्थ में मैं अभी नहीं जाऊंगा, तो आपने फिलहाल यहाँ पे अभी इतना ही ध्यान रखना है कि दैट इज योर, कि जब गोरखास ने जब सिरमौर को कैप्चर किया था कब किया था, 1803 में किया था, उसमें फिर राजा कौन थे, करम प्रकाश द्वितीय, जो कि बहुत इनएक्सपीरियंस्ड होटर थे, तो अपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच राजा बुशहर प्रिंसली स्टेट वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ छत्रपति बाई द मुगल एम्परर औरंगजेब, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, देखिए एचएस में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है केहरी सिंह। केहरी सिंह जो थे कहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है औरंगजेब के समकालीन थे, और इनके जो है वो किस्से जो है वो देखने को मिलते हैं मुगल लिटरेचर में भी। कहते हैं छत्रपति का टाइटल इन्हें इसलिए दिया गया था बिकॉज कहते हैं कि जब ये दिल्ली आए थे, केहरी सिंह की अगर मैं बात करूँ, तो जब दिल्ली में आए थे और दिल्ली में बहुत कुछ राजा भी होंगे, हो सकते हैं बहुत से राजाओं का सम्मेलन होगा, तो कहते हैं कि जब ये बहुत सारी जो है राजा जो है वो ओपन उसमें जो है वो स्काई में जो है वो टहल रहे थे और धूप काफी तेज थी, तो कह रहे थे सो उसमें पे कहते हैं, ऐसा कहते हैं, ये कहानी है कि कहते हैं कि जो केहरी सिंह जहाँ जहाँ जो है वो टहल रहे थे या मूव कर रहे थे, उनके साथ साथ जो है वो बादल चल रहा था और उनको एक तरह से छाया दे रहा था। तो जब काफी बात इनको जो है वो औरंगजेब ने जब ये बात नोटिस की तो उनको काफी ये अनोखी बात लगी, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या वजह है, तो केहरी सिंह ने कहा कि मेरे देवी देवताओं का आशीर्वाद है इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है। तो बहुत ही इस अनोखी और विचित्र बात को देखते हुए बाद में कहते हैं औरंगजेब काफी इंप्रेस हुआ और उन्होंने छत्रपति का टाइटल दिया। इस तरह से कहानी काफी प्रचलित है, राइट। सो ये इसका सही आंसर केहरी सिंह है। केहरी सिंह औरंगजेब की और भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स से कहते हैं 1682 के आसपास जो है मंगोलों का अटैक भी तिब्बत पे हुआ था, तो तिब्बत का साथ दिया था केहरी सिंह ने, और तिब्बत के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन मेंटेन करती थे। तिब्बत से जो है हांगरंग वैली भी जागीर के रूप में केहरी सिंह को मिली थी। हांगरंग वैली, वही हांगरंग वैली की बात है जहां पे एक इंपॉर्टेंट लेक है अभी, नाको झील, आपने सुना होगा नाको झील हांगरंग वैली में ही है। और कहते हैं उसके बाद फ्री ट्रेड रिलेशन भी सेटअप हो गए थे केहरी सिंह के तिब्बत के साथ, और लवी मेला जो है, लवी फेयर, इसके बारे में आपने सुना होगा, ये भी केहरी सिंह के समय पर स्टार्ट हुआ था। इन सब बातों को ध्यान रखना है जब भी बुशहर की हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं, तो केहरी सिंह का नाम जो है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बारे में अगर आप जो और भी कुछ पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। विच हिमाचली रेवोल्यूशनरी एडिटेड सुदर्शन चक्र मैगजीन फ्रॉम लाहौर ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। ऑप्शन है यशपाल, इंद्रपाल, शेरचंद, स्वामी कृष्णानंद, ये सब कहीं ना कहीं जो है रेवोल्यूशनरीज थे, और यशपाल जो है आपके भोपाल से आते हैं, हमीरपुर भोपाल से बिलोंग करते हैं, ये भी रेवोल्यूशनरी थे, और इंद्रपाल ये बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड थे भगत सिंह जी के साथ और चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, भगत सिंह बहुत कॉन्फिडेंशियल थे ये, और कहते हैं कि इन्होंने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल एक्टिविटीज में। और देखिए इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी इंद्रपाल सबसे पहले कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने ध्यान रखना है नदौन से बिलोंग करते हैं, नदौन से बिलोंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे फ्रीडम फाइटर उसमें आते हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, और इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कहते हैं ये रेलगाड़ी में जिसमें लॉर्ड इरविन जो है सफर कर रहे थे उसे बम से उड़ाने के इन्होंने प्रयास किया था, और पंजाब में बहुत से ऐसे 6 जिलों में इन्होंने बम विस्फोट से शासन को उलझाने का प्रयास किया था, उलझाया था शासन को, और एक अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें जो है वो इस तरह से हम याद करते हैं, एक रिवोल्यूशनरी के तौर के पर इनको याद करते हैं, फ्रीडम फाइटर। इन्हें फांसी की सजा दी थी लेकिन बाद में इनकी जब तबीयत खराब हो गई थी तो इनको जो है इनकी फांसी की सजा जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में इनका जो है वो चेंज कर दिया गया था, आजीवन कारावास के रूप में बदल दिया गया था इनकी सजा को। सो अपने इनका ध्यान रखना है, और ये भगत सिंह के बहुत ही जो है वो विश्वास पात्रों में से जो एक थे इंद्रपाल सिंह। इन्होंने इस मैगजीन का लाहौर में रह के जो है कहते हैं कि इन्होंने एडिट किया था, इनका भी अपने ध्यान रखना है। चौधरी शेरजंग आपके जो है वो आपके सिरमौर से बिलोंग करते हैं, इन्होंने भी एक तरह से जो है वो ये भी एक तरह के रिवोल्यूशनरी थे सिरमौर से। और स्वामी कृष्णानंद जो थे ये आपके मंडी से जो थे, मंडी से थे, और मंडी कॉन्स्पिरेसी उसमें भी इनका नाम होता है, मंडी षड्यंत्र, ये भी इंपॉर्टेंट षड्यंत्र था जो ब्रिटिशर के खिलाफ रचा गया था 1914-15 के आसपास। तो स्वामी कृष्णानंद इनका पुराना नाम था हरदेव, हरदेव, बाद में ये भागने में सफल हुए थे, इनको नहीं पकड़ा गया था, इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था स्वामी कृष्णानंद। तो इनका अपने ध्यान रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, इनके बारे में आप जितना पढ़ सकते हैं उतना अच्छा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड द कल्हण राजतरंगिणी इन टू इंग्लिश। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है राजतरंगिणी कश्मीरी क्रॉनिकल है जिससे हमें चंपा की हिस्ट्री के बारे में बहुत सा पता चलता है, राइट। सो इसमें अलेक्जेंडर कनिंगम जो है वो कहीं इससे लिंक नहीं करते हैं, या जो है ये हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे सर ऑरल स्टेन,
सर ऑलर स्टेन जो है ये भी आर्कियोलॉजिस्ट थे, ये भी आपके पास जो एथनोग्राफर और इन्होंने भी इंडिया की हिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट लिया है। सो ऑरल स्टेन इज द राइट आंसर है, जिन्होंने जो है रासरंगिनी को जो है वो ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। सो सही आंसर इसका ऑरल स्टेन। ऑरल स्टेन के बारे में देखिए हम तो मार्क ऑरल स्टेन जो है वो यहाँ पे 1862 से लेके 1940 तक इनका टाइम पीरियड रहा है, ये इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक जीवित रहे हैं, राइट। और प्राइमरली जो है नोन फॉर हिज एक्सप्लोरेशन एंड आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज इन द सेंट्रल एशिया। और स्टेन वॉज ऑल्सो एज एन वर्क एज एन एथनोग्राफर, जियोग्राफर, लिंग्विस्टिक एंड सर्वेयर। सो इतना आपने इन बातों का ध्यान रखना है। इसका सही आंसर सर ऑरल स्टेन है। सो बाकी कुछ और भी ऑथर्स हैं जिन्होंने कहीं जहाँ से हम कहीं ना कहीं अपनी हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री ट्रेस अप करते हैं, वो अपने उन सब बातों का ध्यान रखना है। रासरंगिनी की तरह और भी कुछ और भी हमारे पास जो है वो लिटरेरी सोर्स उनके बारे में आपने पढ़ना है, जैसे कि आपके पास जो है बृहत संहिता। बृहत संहिता किसने लिखी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बृहत संहिता कुमार संभवा, राइट। कादंबरी, कादंबरी और आपके पास जो है मुद्राक्षसा। मुद्राक्षसा ये आपके सारे के सारे लिटरेरी सोर्सेज हैं, वो कहीं ना कहीं हमें हमारे हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री जहाँ से हम ट्रेस कर सकते हैं। तो आपने इनका उनके ऑथर्स का नाम कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑन द अर्लीस्ट एपिग्राफिकल रॉक इंस्क्रिप्शन एट पथियार एंड कनियारा इन कांगड़ा। पथियार एंड कनियारा जो है आपके धर्मशाला वाले एरिया में ही ये लोकेटेड है सबसे पहली बात। और इस तरह का शिलालेख हमें देखने को मिलता है जो कि प्रेजेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। और जो स्क्रिप्ट यहाँ पे देखने को मिलती है ये स्क्रिप्ट जो है ये है आपके ब्राह्मी एंड क्रोशथी। ब्राह्मी और क्रोशथी में हमें ये देखने को मिलता है, ये बहुत ही फेमस जो है वो हमारे पास शिला लेख है। और आपको जो है इसके बारे में जो है वो नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए, राइट। और पथियार एंड खनियारा जो है कहाँ पे है, धर्मशाला के ही बिल्कुल पास में ये लोकेटेड जो है वो इलाके हैं, राइट। और अगर हम बात करते हैं उसमें कि जो भी हमें शिलालेख मिले हैं चंबा, अगर हम बात करें चंबा रियासत की बात करें तो चंबा रियासत में बहुत से शिलालेख मिले हैं और मैक्सिमम मिले हैं शारदा और टांकरी में, शारदा एंड टांकरी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए चंबा से, राइट। और मैक्सिमम जैसे ब्राह्मी, टांकरी, शारदा, इसी तरह के शिलालेख हमें मिले हैं। और क्रोशती सिक्के हमें बहुत मिले हैं, वो भी हमें ब्राह्मी और क्रोशती में बहुत ज़्यादा मिले हैं, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे। आज के सेशन में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो रेस्ट हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, वो हम आगे वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।